हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आज के इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 19.8 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाटा ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिए गए फलन में देखेंगे कौन सा टर्म्स को हम पुट करेंगे कि उस फलन में उसका डिफरेंशिएट दिया गया है। तो देखते हैं कि अगर हम ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स को पुट करते हैं, माना कि ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स बराबर टी मान लिया और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ए कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन होता है तो हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये डिवाइड हो जाएगा, हाई डी हो जाएगा तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। और ये प्लस में है इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा तो माइनस डी टी बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा साइन एक्स बी साइन एक्स इंटू डी एक्स। और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा माइनस डी टी बाई बी बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई बी आ गया। तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई बी बाटा ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स बराबर टी माने तो टी। अब इसको बटा में एक लगा के प्लॉट देंगे वन बाई टी इंटू माइनस डी टी बाई बी माइनस वन बाई बी इंटरग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं तो हो जाएगा वन बाई टी इंटू डी टी। अब हो जाएगा माइनस वन बाई बी इंटरग्रेशन और वन बाई बी। अब इसका इंटरग्रेशन और आसान से निकल जाएगा वन बाई टी। हम जानते हैं कि वन बाई टी बराबर लॉग मोड ऑफ टी होता है और कॉन्स्टेंसी हो जाएगा माइनस वन बाई बी लॉग टी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स कॉन्स्टेंसी। तो ये हुआ आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का एक नंबर। तो 7 का क्वेश्चन नंबर एक जो है इंटरग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाटा वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले चेक करेंगे कि दिए गए फलन में कौन सा टर्म्स को हम पुट करेंगे कि उसका डिफरेंशिएट इस फलन में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर साइन एक्स अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा तो माना कि साइन एक्स बराबर टी और एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर अवकलज करने पर तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स।
या डिवाइड में है, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो आ गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया। तो यहाँ पर पुट करते हैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा वन प्लस साइन एक्स बराबर हम माने थे टी, तो टी स्क्वायर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वन बटा वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वन बटा वन प्लस टी स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स टी होता है, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी और कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। तो इसके बाद टेन इनवर्स टी बराबर दिया गया है यहाँ पर साइन एक्स और कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा, यह होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सात का दो नंबर इंटरग्रेशन ऑफ कॉस सिक्स एक्स इंटू रूट अंडर वन प्लस साइन सिक्स एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर वैसा ही हम देखेंगे कि दिए गए फलन में कौन सा टर्म्स को पुट करेंगे कि उसका डिफरेंशिएट इस फलन में दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर साइन साइन सिक्स एक्स को अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर कॉस सिक्स एक्स आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं, माना कि वन प्लस साइन सिक्स एक्स बराबर टी और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वन कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा और साइन का कॉस होता है तो कॉस सिक्स एक्स एंड टू सिक्स एक्स का डिफरेंशिएट सिक्स होता है बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यह इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिक्स एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई यह मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉस कॉस सिक्स एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई सिक्स आ गया। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट है, आप इसको पुट करते हैं क्या हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस साइन सिक्स एक्स बराबर क्या दिया है माने थे टी माने थे और इंटू में हो जाएगा डी टी बाई सिक्स हो जाएगा। अब वन बाई सिक्स इंटरग्रेशन के बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब वन बाई सिक्स इंटरग्रेशन ऑफ टी रूट का मान होता है वन बाई टू हो जाएगा और इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटरग्रेशन करते हैं वन बाई सिक्स और इसके बाद हम जानते हैं कि अगर इस संख्या का पावर जितना दिया रहता है उसमें इंटरग्रेशन निकालते समय उसमें वन जोड़कर और जोड़कर जितना ऊपर रहता है उतना नीचे लिख देते हैं, ये तो अभी हो जाएगा आपका टी का पावर वन बाई टू प्लस वन बटा वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा। इसके बाद वन बाई सिक्स इंटू टी का पावर थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू, अब इसको हम प्लट लेंगे तो हो जाएगा
दो बट्टा अठारह, तीन छः अठारह हो जाएगा, टी का पावर थ्री बाई टू, ये दो से कट जाएगा, दो नौ अट्ठारह हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एक बटा नौ इंटू टी के पावर थ्री बाई टू, कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट सी छोड़ दिए हैं, कॉन्स्टेंट सी भी सब में लगेगा। उसके बाद वन बटा नाइन, टी का पहले माने थे वन प्लस साइन सिक्स एक्स का पावर थ्री बाई टू कॉन्स्टेंसी, यह हुआ आपका राइट आंसर।